नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमेरा न्यूज और आपके साथ मैं हूँ मानसी राठौर। इंदौर में बन सकता है मेडिसिनल रॉ मटेरियल पार्क। भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोगी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा भारत में मेडिसिनल रॉ मटेरियल पार्क बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। इससे देश में 3 स्थानों पर इस तरह के मेडिसिनल रॉ मटेरियल पार्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इंदौर में लगभग 300 दवा निर्माण इकाइयां है, ऐसे में अगर यहाँ मेडिसिनल रॉ मटेरियल पार्क स्थापित होता है तो ज्यादा फायदा मिलेगा और दवाइयों की कीमतें भी कम होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल के लिए भारत को चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। कोरोना काल में कई मेडिसिनल रॉ मटेरियल की कीमतें चीन ने 20% तक बढ़ा दी है। अगर इस तरह के पार्क भारत में स्थापित हो जाते हैं तो हमारी चीन पर निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके लिए मैंने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को भी पहल करने के लिए कहा है। वही आज भोपाल में होने वाली उद्योग विभाग की बैठक में इस तरह का निर्णय हो सकता है। जी सर, अभी हमारे यहाँ पे जो मेडिसिन तो बनती है इसका रॉ मटेरियल चाइना से आता है। जिस समय ये तनाव बढ़ा उन्होंने लगभग 20% इसकी प्राइस रॉ मटेरियल में बढ़ा दी, जिससे हमारे यहाँ पर दवाइयाँ महंगी। भारत चीन के ऊपर निर्भर न रहे तो इसलिए 60,000 करोड़ का पैकेज ये माननीय मोदी जी ने दिया है, जिसमें से ये रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पे ही पैदा होने लगे। अभी उसका साकार रूप लेने के लिए एक बल्क पार्क ये बनाने का निर्णय हुआ है। 3 स्थान उसके अंदर हिंदुस्तान में वो प्रमोट करने वाले हैं, उसमें एक तो उत्तराखंड का निर्णय हो गया है और कल उस विषय को लेके भोपाल में भी बैठक है। तो आज मैंने उद्योग मंत्री माननीय राजवर्धन जी से एक बात कही कि लगभग 300 से ऊपर दवा निर्माण की फैक्ट्रियां ये इंदौर के अंदर हैं और इसलिए इंदौर के आसपास अगर ये रॉ मटेरियल बनाने का प्रारंभ होता है तो निश्चित रूप से उसके यहाँ पे दवा उद्योग को लाभ होगा और रॉ मटेरियल पास में मिलेगा तो दवाएं सस्ती होगी, इसलिए आम जनता को भी उसका लाभ मिलेगा। ये आज उनसे चर्चा की है, संभावना है कि कल बैठक के अंदर उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं इसको बहुत अच्छे ढंग से रखूंगा और हमारा प्रयास रहेगा कि एमपी में क्या एक ही क्लस्टर एक ही मिलेगा। टोटल देश के अंदर 3 स्थान पे होना है, जिसमें से एक उत्तराखंड का हो गया, 2 के और निर्णय होना है क्योंकि इंदौर ये दवा निर्माण का हब है और इसलिए हमको संभावना है कि इसमें इंदौर का चयन होगा और बाकी लोगों से भी सेंटर में बात करवाने की मैं बात करूंगा ताकि ये मध्य प्रदेश को मिलेगा। ये कल उसके लिए कुछ बैठक है, मैंने ये उनसे बात रखी है कि क्योंकि इंदौर में 300 से ऊपर मेडिसिन बनाने की फैक्ट्री आई थी, इंदौर को उसमें प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो इंदौर की बात वो कल बैठक में जरूर रखेंगे। बाकी मैं कल ताई से भी बात करूँगा तो वो भी ऊपर बात करें और मैं भी अपने स्तर के ऊपर इसके लिए प्रयत्न करूंगा और अगर ये आता है तो उद्योग तो वो होगा ही, मगर इसके साथ में क्योंकि रॉ मटेरियल यहीं पे मिल जाएगा मेडिसिन बनाने वालों को तो दवाओं की कीमत में भी अंतर पड़ेगा तो उससे आम जनता भी मिलेगा।